मुझे ऐसा विश्वास है कि पांचों राज्यों में भाजपा को झटका मिलेगा, बदलाव के लिए मतदान होगा, घमंड तोड़ा जाएगा केंद्र सरकार का। तो ये सरकार असंवेदनशील हो चुकी है, ये चंडीगढ़ में बैठ के सरकार चलती, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको देख रहे थे बीजेपी के मुख्यमंत्री अलग प्रोग्राम कर रहे थे, प्रधानमंत्री अलग प्रोग्राम कर रहे थे, एक आधे प्रोग्राम में आके जो योगी जी थे प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में आना चाहते थे, अंदर से राज्य में चले जाओ दूसरे प्रोग्राम पर, गृहमंत्री अलग प्रोग्राम कर रहे थे। क्या 2024 में ये है कि भाजपा की सरकार को भगाओ, जेजेपी जो है इस पार्टी जिसने इतना विश्वासघात किया है, जेजेपी पार्टी को इससे पीछा छुटाओ और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को डालिए। उन्होंने घर जाने की भी इंतजार नहीं करी, आप सोच सकते हैं कितना खुला क्या मामला चल रहा है। फिर हम प्रदेश के युवा ये मतलब इन पर विश्वास करें तो भर्ती प्रक्रिया जो सरकार की रही है वो प्रक्रिया से आज प्रदेश के युवा के भविष्य के को लेकर दीपेंद्र जी तो प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव रहे, क्या कांग्रेस अपने असेंबल पे चुनाव लड़ेगी? देखिए कल हमारी बैठक हुई थी, प्रारंभिक चर्चा इस पे हुई है, पार्टी की मजबूती को देखते हुए जो फैसला लिया जाएगा वो सामूहिक रूप से लिया जाएगा और सभी एकजुटता से उस फैसले को आगे लेके बढ़ेंगे। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? पांच राज्यों में मुझे जाने का अवसर मिला, इन पांच में से चार राज्यों में जाने का मुझे अवसर मिला मणिपुर छोड़ के, और मुझे ऐसा विश्वास है कि पांचों राज्यों में भाजपा को झटका मिलेगा, बदलाव के लिए मतदान होगा, घमंड तोड़ा जाएगा केंद्र सरकार का और कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा पांचों राज्यों में। धान पर अभी 1% से 2%, 2% से 4% मार्केट में निवेश कर दी गई है, ये कहीं ना रही है, इसके बारे में सही बात है। और ये हमारे टाइम ये कम करी गई थी, घटाई गई थी मार्केट फीस, और केवल धान की बात नहीं है, आप हर फसल पर उठा के देखो उस समय। तो ये पता चलता सरकार असंवेदनशील हो चुकी है, ये चंडीगढ़ में बैठ के सरकार चल रही है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको किसी वर्ग से आज ये पहली सरकार, आखिरी बात कर लेते हैं जयपाल जी को ज़्यादा ज्वलंत होते हैं, ये पहली सरकार है इसमें कोई किसान, कोई आड़तिया, कोई भी वर्ग, चाहे वो आड़ती हो, चाहे वो किसान हो, चाहे हर वर्ग को सड़क पर आना पड़ा अपने हकों के लिए, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे आंगनवाड़ी आशा वर्कर हो, चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग को आंदोलन के लिए सड़क पर आना, 10 साल हमारी सरकार रही, मैं ये एक विश्वास के साथ बात कहता हूँ, 10 साल में हरियाणा प्रदेश में किसी वर्ग को कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं हुई। तो ये क्योंकि आज प्रजातंत्र में अगर कोई वर्ग दुखी है तो सबसे पहले सड़क पर आता है, तो 10 वर्ष में ना तो कोई आंदोलन हुआ, ना कहीं पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, का आंदोलन पर बल प्रयोग हुआ, यहाँ तो महिलाएं नहीं बची आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, बाकी जो है अपना हम किसानों के ऊपर क्या अत्याचार हुआ आंदोलन में, बाकी 8 साल हो गए जो हर साल लोग जो JBT के जो पात्रता क्लियर करते हैं वो कई ओवरएज हो गए, उनका भविष्य चौपट हो गया, पहली बार है कि 8 साल तक, और जबकि वैकेंसी पड़ी है वो भर्ती नहीं कर पा रही सरकार, और सरकार ने एकाधी करी जैसे ग्रुप डी के उस टाइम एक लिस्ट निकाली थी उस पर सरकार डंका बजाया कि 4 साल हमने कुछ नहीं किया, संगठित रखा जा सकता है, कांग्रेस संगठित है जयपाल जी, कांग्रेस आज आपका प्रोग्राम है, एक डांड में मीटिंग हो रही है, तो कांग्रेस संगठित है, तो क्या जो है अगर किसी पार्टी की काम पे अगर प्रोग्राम अगर अलग अलग जगह हो तो ये पार्टी कमजोरी रहती है या ये पार्टी मजबूती रहती है? कांग्रेस ये
कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।